ओके सो हाय गुड इवनिंग एवरीवन हाउ आर यू ऑल एंड इसी के साथ आज आपका सॉल्यूशंस का जैसे कि मैंने कल कहा था कॉलिगे प्रॉपर्टीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आई होप आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझ आया उसके बाद लोरिंगली exactly उसी से रिलेटेड होता है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को एक्चुअली हमने डिस्कस भी किया था कल ही है ना तो आज हम बाकी की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पूरी फिनिश कर लेंगे यानी आपका ये वाला जो टॉपिक है ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पूरा आज फिनिश हो जाएगा फिर उसके बाद लास्ट लेक्चर बचेगा सोल्यूशन का विच इज

so all that already फटाफट मेरे को चाहिए सबका अटेंडेंस इन दी कमेंट सेक्शन मेरे को पता चल जाना चाहिए who all are there and are you all ready ready to start this session quickly 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 अपना अटेंडेंस लगाएंगे इन दी कमेंट सेक्शन नीतू यशस्वी मीत साम्या शिति प्रतीक मुस्कान रोज़ देखो मेरे को पता चल रहा है रोज-रोज जो स्टूडेंट्स आते हैं ना मेरे को उनका नाम पता चल जाता है सिया सोनम कोमल आदर्श ज़ो मैम आकांक्षा ठीक है So, my name is Akanksha, guys. If you are connecting with me for the very first time, let me introduce myself. Let me introduce myself. If you are connecting with me for the first time, guys, this is Akanksha, your chemistry educator. Qualified my CSIR net with AIR35. Also, again, qualified in chemical sciences. Secured an international rank of 29 in the EFO. And I was also awarded the scholarship for my outstanding academic performance by the Department of Chemistry, University of Delhi. ग्रेजुएट एज वेल एज अ पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम डी यू ठीक है चलिए हां जी सॉलिड स्टेट का नोट प्रति किसके ये वाला नोट दूंगी ना उसके जस्ट साथ ही आ जाएगा है ना सही है मैम हमारा रोल नंबर <laughs> रोल नंबर सो so वन फिफ्टी टू प्रथम आपने बता दिया दैट यू आर देयर प्रेजेंट इन द क्लास सो ऑल कूल अबाउट द रोल नंबर ठीक है कोई बात नहीं काजल नो वरीज चलिए सो ऑल सेट ऑल रेडी हम स्टार्ट कर दें आपका आज का ये सेशन ऑन सोलूशन मुझे मतलब मुझे बताइए कि क्या सबको यू यू नो डू ऑल हमने लास्ट क्लास में रिलेटिव वेपर प्रेशर पढ़ा था और उसके जस्ट बाद हमने एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट किया था एंड दैट मीज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट याद आ रहा है सब लोगों को सब लोग ऑल ऑफ यू रिमेंबर कि हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उसके बाद जो है स्टार्ट किया था किधर है हमारा ये रहा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ना बिल्कुल याद है अच्छे से ठीक है और किस किस ने घर पर पढ़ाई की है इसकी बताओ एक बारी पढ़ा पढ़ा है आपने देखो जितना मैं आपको पढ़ाती हूँ ना आई नो आपको क्लास में समझ में आ जाता है लेकिन उसके बाद आपको खुद भी उसको एक बार घर पर रिवाइज करना ही करना है वेरी गुड देखो वैष्णवी ने आंसर बताया है लास्ट क्वेश्चन का एंड दैट इज ग्रेट अभी आज भी मैं आप को होमवर्क देने वाली हूँ कम्युनिटी पोस्ट में, में होगा जब भी आपका स्पेशल क्लास रहेगा इट बी मोस्ट प्रोबेबली ऑन मंडे मैं तो मंडे ही चाहती हूँ रखना बट uh, सब सही रहे तो मंडे डेफिनेटली होगा ठीक है आओ जी शुरू करें एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट याद करिए हमने डिस्कस किया था कि जब आप एक नॉन non... बेटा मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्टार्ट कर रही हूँ इन बॉलिंग पॉइंट ठीक है आप uh, शांति हो जाएंगे चैट सेक्शन में कुछ नहीं लिखना है बस सेशन को फटाफट -फड़ लाइक कर देना है ठीक है सो सेशन को लाइक कर दीजिए चैट सेक्शन में कुछ नहीं लिखना वी हैव वन फिफ्टी हां जी सॉन्ग्स फॉर एवर आई एल बी ऑन प्लस वेरी वेरी सून तो ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी और भी अच्छे से जब हमारा पूरा ये रेडी हो जाएगा ठीक है सो फ्रॉम दिस मंथ आई एल बी ऑन प्लस दैट्स ट्रू ठीक है चलो उसके बारे में और भी बात करेंगे और भी बात करेंगे बट रुको 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 अभी शांति नथिंग इन द दार्ट सेक्शन अभी प्लीज ध्यान से सुनेंगे इसको समझेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है है ठीक चलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट याद करिए हमने क्या डिस्कस किया था कि जब आप एक प्योर सॉल्वेंट लेते हो प्योर सॉल्वेंट लेते हो तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि वहां पर सॉल्वेंट कैसा है वोलेटाइल है तो वहां पर वेपर्स किसकी बनती है सॉल्वेंट की ज्यादा वेपर्स बनती है उसका ज्यादा वेपर प्रेशर आता है लेकिन जब आप सॉल्वेंट में एक नॉन वॉलेटाइल डाल डालते नॉन वॉलेटाइल मतलब जिसका वेपर pressure, ये थी हमारी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फिर आप ही लोगों ने मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बिल्कुल राइट आंसर दिया था कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज इनवर्सली रिलेटेड दैट इज इनवर्सली रिलेटेड विद द वेपर प्रेशर अगर वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज होना चाहिए यानी अगर इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है और यहां पर जब आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर चुके हैं तो इसका वेपर प्रेशर कम है तो जी यहां पर फिर बॉइलिंग पॉइंट आपका ज्यादा होना चाहिए और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है कम होना चाहिए है ना इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए क्योंकि दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है तो क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट है दिस इज बॉट प्योर सॉल्वेंट है इसके अंदर तो इसका मान लीजिए जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको मैं क्या बोल रही हूं टी नॉट बी बोल रही हूँ क्या बोल रही हूं टी नॉट बी और इसको मैं क्या बोल रही हूँ दिस इज टी बी जो पूरे सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज टी तो ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है ये पूरे सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है

नॉन ऐड करते आप क्या बोलते हो यही एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है और इसको आप क्या बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या बोलते हैं एलिवेशन इन एलिवेट हो गया इंक्रीज हो गया ठीक है तो बढ़ना इंक्रीज होना दिस इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अब जैसे हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में डेल्टा पी कैलकुलेट किया था ना डेल्टा पी याद आ रहा है कि कितना वेपर प्रेशर कम हुआ है लोअरिंग हो गया था हमारे वेपर प्रेशर का डेल्टा पी के थ्रू हमने फाइंड आउट किया था कि जी कितना वेपर प्रेशर मेरा कम हुआ है याद आ रहा है ऐसे ही मुझे यहां पर भी चेक करना पड़ेगा कि मेरा कितना मतलब डेल्टा बी मुझे यहां भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और मेरा डेल्टा बी मुझे बताएगा कि कितने से मेरा जो बॉलिंग uh, पॉइंट है वो इंक्रीज हुआ है तो कितना आपका बॉलिंग पॉइंट एलिवेट हुआ है वो आपको कौन बताएगा डेल्टा टीवी आइए इसको देख लेते हैं आप जी आप आ, ये एक सेकेंड <coughs> हाँ आप देखिए यहां पर आपको पता है कि जब आप क्या करते हो एक नॉन वॉलीटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो एक प्योर सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है एग्जैक्टली exactly यही जब आप रिवाइज करोगे तो मैंने इसको लिख कर भी दिया है तो इसको रीड करना जब आपके पास आज पी जाएगा सब इसको रीड करेंगे बचो अभी अभी जितने कनेक्ट हुए मैंने वही इलेवेशन इन बॉलिंग पॉइंट वाली बात रिपीट की है कि कैसे एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करने पर आपका बॉलिंग पॉइंट भर जाता है बॉलिंग पॉइंट सोल्यूशन का प्योर से ज्यादा रहता है तो जी डेल्टा टीबी मुझे बताओ क्या होगा आप बड़े में से छोटा माइनस करोगे है ना बड़ा कौन है टीबी तो टीबी माइनस टी नॉट बी

क्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी किसके मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ठीक है अब आपने आप सोचेंगे मोलालिटी के ही क्यों मतलब बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है किसके अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करता है ना कि कितना सोल्यूट है तो उस अमाउंट ऑफ मैंने आपको पहले ही बताया था याद करिए फटाफट से कि जब हम बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो वाली प्रॉपर्टीज होती है जो सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करते हैं मतलब सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन पर तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म एक मोलालिटी होती है ना जिसको हम मोलैलिटी के टर्म्स में कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करते हैं और देखो मोलैलिटी एक वैसा वाला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर के साथ चेंज भी नहीं होता है ना तो इसीलिए हमने मोलैलिटी नहीं लिया हमने क्या लिया मोलैलिटी लिया बिकॉज मोलैलिटी आपका टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है तो यहाँ पर जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे देखो इसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा है ना जब आप इसके ऊपर यहां से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या बनेगा डेल्टा टीबी

Isn't it? Yes, clear है तो फटाफट थम्स अप हो हो जाए इसको अभी, अभी सबके दिमाग में प्रिंट हो गया ना ऐसा तो नहीं कि घर जाकर पढ़ना पड़ेगा तब आएगा अभी अभी के अभी सबको ध्यान हो गया है अब भी के अभी सबको ध्यान हो गया था डेल्टा इज इक्वल टू के बी है क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या होगा ना कभी कभी आपको ये भी दे देंगे के बी अब सुन लो एक बार केबी क्या होता है केबी होता है मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट बी एक कांस्टेंट है इसको आप क्या बोल सकते हो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इबलियोस्कोपिक कांस्टेंट इधर कांस्टेंट और आएगा इट इज क्योंकि ना इबालियोस्कोपिक पता है क्यों बोला है क्योंकि ये जो आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये जो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसको इबलियोस्कोपी भी बोलते हैं क्या बोलते हैं इबालियोस्कोपी भी बोलते हैं तो ब्रैकेट में लिख देना इबालियोस्कोपी भी कहलाता है तो कहीं तुम्हें इबालियोस्कोपिक कांस्टेंट लिखा हुआ मिल जाए तो घबरा मत जाना इट इज नथिंग बट आपका ये केबी ही है ठीक है अब देखो केबी से रिलेटेड ना एक जेई मेन्स में एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि उन्होंने आपको बॉइलिंग पॉइंट दे दिया और ये जो एल वी लिखा है ना एल वी इज नथिंग बट द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यहां पर आपका आ, वेपर्स बन रही है तो आप वेपराइजेशन के टर्म्स में बात करोगे तो क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मैं लिख देती हूं एल दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ ऑफ वेपराइजेशन 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 ठीक है और देखो ये लेटेंट हीट ऑफ को इस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है हालांकि ये वाला क्वेश्चन कम ही पूछा गया बट स्टिल एक बार पूछा है तो बनता है कि इसके बारे में हमें पता हो और देखो आसानी है आर तो यहां गैस कांस्टेंट हो गया सिंपल है टीबी यहां पर बॉइलिंग पॉइंट हो गया उसका स्क्वायर और थाउजेंड और यहां पर क्या आ गया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर यूनिट मास होता है तो दिस इज मास ये जो एम लिखा हुआ है मास और ये क्या हुआ? है, कौन सा वाला? और और का ये होता है और अगर किसी को ये में है, तो इसमें तो इस इतना ज्यादा डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं है बस ये छोटा सा फॉर्मूला और ये फॉर्मुला ना एक और जगह काम आता है अभी जैसे आपने के भी पढ़ा है देखो मैं आपको बताती हूँ एक जो रुकिएमूला है ये एक और जगह काम आएगा जैसे आपने के बी है ना ऐसे यहाँ पे पढ़ोगे फिर आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि के एफ और के बी में रिलेशन क्या होता है क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे ग्रेटर देन होंगे नॉट इक्वल होंगे या लेस देन होंगे मतलब कुछ भी नॉट इक्वल तो खैर क्या ही है नॉट इक्वल यहाँ पर इस तरीके से ये तीनों में से कौन सा रिलेशन फॉलो करेंगे दे कैन आस्क यू अबाउट दैट ठीक है तो आपको उसका आंसर पता यहीं से चलेगा इसी वाले फॉर्मूला से राइट right है तो इसमें इतना डिफिकल्ट कुछ नहीं है बस ध्यान रख लो कि आपका के बी इज इक्वल टू आर टी बी स्क्ट एलबी देखो सा ऐसा चलेगा है कि नहीं चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट बात पर आ जाते हैं ट्रिपल फेस डायग्राम के थ्रू इसको समझना है देखो अगर मैं आपको सिंपल इसको बेसिकली uh, मैं जो है एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट को आपको ग्राफिकली कैसे पढ़ते हैं ग्राफिकली कैसे समझते हैं वो समझाना चाहती हूँ ठीक है एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट होता है ये तो हम सब समझ चुके हैं आप सब एग्री कर रहे हो कि बॉलिंग पॉइंट एलिवेट करता है जब हम एक नॉन वॉलिटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं अब हमें ये समझना है डायग्रामेटिकली ग्राफ के थ्रू तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ मैं आपको यह समझाऊंगी ट्रिपल फेस डायग्राम के थ्रू अब यहां बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें यह पता नहीं है कि ट्रिपल फेस डायग्राम क्या होता है है ना तो इसलिए मैं डायरेक्टली जंप नहीं करूंगी हालांकि केमिकल इक्लिबीरियम में क्लास इलेवेंथ में आप लोगों ने यह पढ़ा हुआ है बट मैं डायरेक्टली जंप करने की जगह मैं आपको हल्का सा वापिस से याद दिला देती हूँ ट्रिपल फेस डायग्राम के बारे में ठीक है तो देखो यहां पर आपके पास ये वाला जो कर्व है ये वाला जो कर्व है ना ये जिसको मैंने ब्लू से आउटलाइन किया है इसको मैं थोड़ा थिक कर देती हूँ और अब आपको दिखेगा तो ये जो मैंने ब्लू से आउटलाइन किया है दिस कर्व इससे ऊपर सारा क्या है सॉलिड है ये वॉटर के लिए वॉटर के लिए बाकी सबके लिए आपको पता होगा कि स्लोप पॉजिटिव हो जाती है दूसरी साइड जाती है खैर हमें हमारा इसी से कंसर्न है क्योंकि हम एक्वा सोल्यूशन की बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायल्यूट सोल्यूशन के लिए ही है है ना ग्राफ इंपॉर्टेंट है हां जी तो प्लीज ध्यान देंगे इसको और ये आपका बोर्ड में बनाने के लिए भी आ जाता है नीट में खैर आपको बनाने के लिए तो नहीं आएगा बट ग्राफ रीड करना आना चाहिए ठीक है तो ये जो लाइन है ब्लू वाली इससे ऊपर सब क्या है सॉलिड है सॉलिड है परफेक्ट है उसके बाद ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है दिस लाइन ये ग्रीन वाला जो मैंने ग्रीन वाला आउटलाइन किया इससे नीचे सारा क्या है वेपर है सब क्या है इसके नीचे ये देखो है। और एक और लाइन आपको दिख रही है ये येलो वाला लाइन विच इज दिस येलो वाले लाइन के nah, इधर इधर मतलब राइट right में राइट right में सब क्या है लिक्विड पड़ा हुआ क्या पड़ा हुआ है लिक्विड पड़ा हुआ अब ये जो लाइन है ना आप ध्यान से समझेंगे इसको जो अब मैं बताने जा रही हूं ये जो आपकी लाइन है मतलब ये जो येलो वाली लाइन है इसके इधर क्या है इसके इधर मतलब कि इसके लेफ्ट में क्या है सॉलिड है इसके राइट में क्या है लिक्विड है तो इस वाली लाइन तो के ऊपर ये वाली जो लाइन बनी हुई है ना इसमें सॉलिड और लिक्विड आपस में इक्लीबिरियम पर रहेंगे किस में रहेंगे सॉलिड और लिक्विड आपस में इक्लीबिरियम में रहेंगे ऐसे ये वाला जो लाइन है ब्लू वाला जो लाइन इधर क्या है सॉलिड है इधर क्या है वेपर तो इस वाली लाइन पर सॉलिड और वेपर इक्लीबिरियम में है सॉलिड और वेपर आपका इक्लिबीरियम में ऐसे इधर क्या है इधर आपका लिक्विड है इधर आपका क्या है लिक्विड है और इधर क्या है वेपर है तो इस, वाली वाली right इस तरीके से हो रहा है अब देखिए यहां पर आप ना टेम्परेचर कैसे फाइंड आउट करते हो इसी ग्राफ से एक पर्टिकुलर ये मैं रब कर रही हूं क्योंकि आपको समझ में आ गया कहाम में बस जो उधर ऊपर नीचे उसको इक्लिबीरियम में लगा देना और कुछ भी नहीं है इजी सा ठीक है अब हमें ये देखना है कि यहां पर आपके पास आपके पास यहां पर टेम्परेचर कौन कौन से मिल जाते हैं देखो ये सॉलिड और लिक्विड ये वाला जो लाइन है ये वाला जो लाइन है ये ये वाला ठीक है किसका इक्लिबीरियम बताता है ब्लू वाला लाइन सॉलिड और लिक्विड के बीच का तो यहां पर यानी कि क्या हुआ होगा यहां पर सॉलिड से लिक्विड जा लो सॉलिड लिक्विड इक्लीबीरियम में मतलब सॉलिड का मेल्टिंग हो रहा है है ना सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो एट अ पर्टिकुलर प्रेशर यानी कि अगर आप इस पर्टिकुलर प्रेशर पर देखें ठीक है इस पर्टिकुलर प्रेशर पर देखें तो यहां पर आपको ये जो बताएगा ये जो आपको बताएगा दिस विल बी द मेल्टिंग पॉइंट से आपके पास क्या निकल कर आएगा मेल्टिंग पॉइंट निकल कर आएगा ऐसे ही अगर आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जाते हैं इस वाली लाइन की तरफ ये वाला जो आपके पास है ये, ये येलो वाला एक सेकेंड रुकेंगे आ, ये देखो मैं क्या कर रही हूं इसको इधर बना देते हैं येलो ठीक है इसको मैंने येलो बना दिया और इसको हाँ, इधर देखना ध्यान से अब आपका ये जो ये वाला ब्लू वाला लाइन ये वाला राइट यहां पर कौन इक्लिपीरियम है लिक्विड और वेपर में है ना तो लिक्विड और वेपर अगर आपका इक्लिपीरियम में है तो यहाँ पर क्या हो रहा है वेपराइजेशन ये आपका यहाँ जिधर इधर कट करेगा

Uh, आपने पहले नहीं पढ़ाया और यहां से एक बारी में अगर आपको ये फिफ्टी परसेंट भी समझ में आया ना आपको ये वाली बात पूरा पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगी देखो अब आपके पास ये जो कर्व है यहां से मैं आपको क्या बताने वाली हूँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाली बात हम यहाँ से करने वाले हैं। किसकी बात एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो देखो इसको ध्यान से सुनेंगे ध्यान से समझ ध्यान से समझिएगा इसको अभी मैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर आ गई हूँ यहां पर हमने क्या किया प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट किया है किस किस का ग्राफ प्लॉट किया है प्रेशर और टेम्परेचर का अब ध्यान से देखेंगे यहां पर मैंने सिर्फ ये वाला लाइन बनाया एक ही कर्व मैंने बनाया हुआ है राइट एक ही कर्व मैंने बनाया हुआ है और यहां पर देखो होता क्या है कि बेसिकली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है तो मुझे बताओ यहां पर अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है तो मुझे कौन कौन से सॉलिड की जरूरत है ये वाला कर्व मैंने बनाया होगा सॉलिड वाला या ये येलो वाला या फिर ये दूसरा वाला ये जो आपका ब्लू दिख रहा है कौन सा कर्व मैंने बनाया होगा कौन मुझे बता रहा है हाँ बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज आफ्टर एडिंग दी एडिंग दी नॉन वॉलिटाइल सॉल्यूड बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप ये वाली बात मुझे ये बता दो एक बारी कि यहां पर, यहां पर आपका देखो क्या हो रहा है सॉलिड ब्लू सॉलिड हाँ परफेक्ट देखो यहां पर अरे देखो ना लिक्विड टू वेपर जा रहा है आपका तो मुझे इस वाले ग्राफ से मतलब है ये वाला ये वाला जो है सॉलिड नहीं बनाया सॉलिड नहीं बनाया ब्लू वाला बनाया वेरी गुड ब्लू जिसने भी लिखा है परफेक्ट है ब्लू 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 क्योंकि आप लिक्विड टू वेपर ये वाली बात करनी है देखो यहां पर, जैसे जैसे आपका क्या हो रहा है आ, क्या बोलते हैं यहां पर सिंपल है आपने ये वाला कव बना दिया ये ब्लू वाला जो था और ये आपका बनकर रेडी हो गया ठीक है अब आपने क्या किया ये तो किसके लिए आया यहां पर ये आया है किसके लिए प्योर सॉल्वेंट के लिए ये किसके लिए बनाया आपने प्योर सॉल्वेंट के लिए बना दिया अगर मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट मतलब सिर्फ और सिर्फ वाटर ही वाटर है ये जो ऊपर ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना ये कुछ नहीं पी एक्सटर्नल है मान लो पी एक्सटर्नल आपका कितना है वन एटमोस्फियर तो बॉइलिंग पॉइंट वही तो होता है जहां पर आपका वेपर प्रेशर देखो वेपर प्रेशर इसको मैं अगर यहां पर आपको दिखाऊं देखो वेपर प्रेशर जो है मेरा इस तरीके से टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है और एक ये टेम्परेचर रीच हो गया है जहां पर मेरा वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो चुका है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो चुका है तो इसी वाले प्रेशर को जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आपका वेपर प्रेशर हो जाता है आप क्या कहते हो प्योर का बॉइलिंग पॉइंट कहते हो जो कि आपका टी नॉट बी हो जाएगा तो ये किसके लिए आया है प्योर सॉल्वेंट के लिए आया यहां पर आपने सिर्फ और सिर्फ क्या लिया था प्योर सॉल्वेंट लिया था और कुछ नहीं है अब देखिए दूसरी बारी में आपने क्या किया नेक्स्ट टाइम आपके पास क्या हुआ कि अब आपने क्या डाला सोल्यूशन कंटेनिंग दी नॉन वॉलोटाइल सॉल्यूंट है ना जिसमें कि आपके पास क्या है नॉन वॉलिटाइल सॉल्यूट है

कौन बता रहा है वेपर प्रेशर कम होगा कि ज्यादा होगा सफीद ने बताया है ओके मालवीश ने बाकी लोग क्या बताएंगे जल्दी से बता दीजिए हाँ वेरी गुड चलो फिर तो सही है किसी ने भी रॉन्ग नहीं बताया लेस 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 डिक्रीज 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 परफेक्ट फिर तो बहुत अच्छा है यानी सबको सारी बात समझ में आ गई वेरी गुड तो देखो अगर मैंने प्योर सॉल्वेंट वाला अगर मैंने प्योर सॉल्वेंट सॉल्वेंट वाला इस वाले वेपर प्रेशर से स्टार्ट किया था तो ये जो सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलिटाइल सॉल्यूट है भाई इसका जो प्रेशर है वो थोड़ा कम रहेगा तो इसको मैं थोड़ा नीचे से स्टार्ट कर रही लूं तो देखो ये वाला जो दूसरा वाला लाइन है इसको मैंने थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट किया हुआ है दूसरा वाला ये मतलब मैं ग्रीन वाला इसको मैंने थोड़े कम वेपर प्रेशर से स्टार्ट किया है तो अगर मैंने वेपर प्रेशर कम लिया है तो भाई इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा लगेगा तो ये देखो ये थोड़ा आगे जाकर ये आपका मतलब और ज्यादा टेम्परेचर पर जाकर ये किसके इक्वल हो रहा है एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रहा है यानी कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है ये यहां से इसका बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा इसका बॉलिंग पॉइंट को क्या कहेंगे टीबी कहेंगे अब ये जो टीबी आया दिस इज द बॉलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन विच इज कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ठीक है तो यहां पर आई होप आप लोगों को एक बात समझ में आई कि जब आप प्योर का ले रहे थे तो प्योर का तो जल्दी वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया है ना मतलब पी एक्सटर्नल के इक्वल हो गया लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जब आपने किसका लिया कंटेनिंग नॉन वॉलिटाइल सॉल्यूट तो वो कम वेपर प्रेशर से स्टार्ट हुआ और अगर कम वेपर प्रेशर से स्टार्ट हुआ है तो डेफिनेटली वो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट लेगा ज्यादा टाइम लेगा आपका पी एक्सटर्नल के इक्वल होने में और उसने कितना टेम्परेचर दिया ये टीबी टेम्परेचर दिया तो देखो पहले टी नॉट बी था और फिर कितना आ गया टी बी आ गया तो टेम्परेचर इतना इतना इंक्रीज हुआ टेम्परेचर का ठीक है इधर से इधर में इतना इंक्रीज हुआ है ना ये टेम्परेचर का तो इसी को आप डेल्टा टी बी बोलते हो और डेल्टा टी बी क्या होता है ये तो हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं डेल्टा टी बी विल बी इक्वल टू

प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ हमने प्लॉट किया ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइन बना हुआ है ये कुछ नहीं है आपका वन एटमॉस्फेयर है वन एटमॉस्फेयर पी एक्सटर्नल एक्सटर्नल प्रेशर आपके पास इतना है हमें पता है बाय डेफिनेशन कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जहां वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर ठीक है आपने क्या किया सबसे पहले आपने वो ट्रिपल फेस डायग्राम का वो जो ये वाला कर्व था जिसमें लिक्विड और वेपर के बीच में इक्लिबीलियम था वो वाला कर्व प्लॉट कर लिया क्योंकि हमें उसके अलावा किसी और की जरूरत नहीं है तो ये देखो हमारे पास ये वाला कर्व आ गया ठीक है तो हमारे पास क्योंकि वेपराइजेशन हो रहा है बस मैंने एक ही कर्व ड्रॉ किया लिक्विड वेपर वाला

इस टेम्परेचर पर ये जो यहां पर मेरे पास टेम्परेचर आया तो इस टेम्परेचर को आप क्या कहेंगे टी नॉट बी टी नॉट बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट उसके बाद आपने दूसरा काम क्या किया हमने यहां पर नेक्स्ट क्या सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए भी सेम कर्व प्लॉट करने का ट्राई किया तो हमें पता है कि जो सॉल्यूशन जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है उसका वेपर प्रेशर कुछ कम रहा होगा कम रहा होगा तो देखो मैंने यहां पर इसको थोड़ा नीचे से स्टार्ट किया है अब अगर यार इसका वेपर प्रेशर कम है ये किसका है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन है तो देखो इसको थोड़ा नीचे से स्टार्ट किया है है तो तो और अगर इसका कम है, तो फिर ज्यादा टेम्परेचर तक जाकर बॉइल होगा है ना तो ये पी एक्सटर्नल के इक्वल और हाई टेम्परेचर पर हो रहा है और वो कितने टेम्परेचर पर हुआ जब हमने इसको यहां पर एक्सट्रापोलेट किया एक्स एक्सिस के साथ कितना निकल कर आया टी बी विच इज दॉयिंग पॉइंट ऑफ कंटेनिंग दी नॉन वॉलिटाइल सोल्यूट तो यहां से ये जो आपके पास डिफरेंस है ये जो आपके पास डिफरेंस है ये आपका क्या है डेल्टा टीबी कहलाता है विच इज एलिवेशन इन दी बॉइलिंग पॉइंट ठीक है और डेल्टा टीबी किसके इक्वल होता है आप ही लोग मुझे बताएंगे टीबी माइनस टी नॉट बी बताइए अब थम्सअप हो जाना चाहिए अगर सबको समझ में आ गया जल्दी से जल्दी से बताएंगे अगर अब आपको समझ में आ गया है, तो क्विकली आई नीड अ थम्सअप ही आप तो किसी को डाउट नहीं है यहां पर क्या होता है आपका एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट के लिए यह आपका जो वेपर फेस डायग्राम है सबको क्लियर है परफेक्ट जी हमने बंद कर दिया थैंक यू मिर्जा वासी आया क्या लिखा है अब्बास थैंक यू हां जी फोन ये फोन आ रहा था मयूर नहीं अभी तो देखिए मैं बहुत मैं एक्चुअली आप शायद मयूर थोड़ा लेट कनेक्ट हुए होंगे मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ उसके बाद वापस से मैं इसको जो है रिपीट कर रही थी <coughs> अगर मैं टू एक्स की स्पीड से पढ़ाती तो ये हमारा सेवन लेक्चर में ही फिनिश हो जाता ठीक है और मयूर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो कोई बात नहीं है आप मुझसे स्पेशल क्लास में मिल सकते हो हाँ अनूप श्रीवास्तव परफेक्ट है ना क्लियर हुआ बहुत अच्छे चलो जी थैंक यू ये चैप्टर ट्वेल्थ का है हां जी हान जी हाँ जी पॉइंटर पॉइंटर ठीक है अभी तो मैंने इसको थोड़ा आ, मतलब आई हैव रिड्यूस द डायमीटर अभी देखते हैं हाँ जी ऑस्मोटिक प्रेशर भी होगा चलो इसका मतलब यहाँ तक तो क्लियर है आइए दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ भरते हैं और दूसरी अच्छा दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से पहले ये तो देख लें यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं आर यू रेडी क्वेश्चन करने के लिए क्योंकि देखो क्वेश्चन आपके सामने है और ये आपका किसके ऊपर बेस्ड है ये ये जो जो आप एलिवेशन एलिवेशन इन इन पॉइंट पॉइंट कर कर आपने अभी अभी प्रॉपर्टी पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड है तो देखो आपके पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपके पास एक सोल्यूशन है जिसके अंदर इतना नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है ठीक है नॉन इसका मतलब भाई ये बताओ इन्होंने क्या दिया है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का मतलब समझते हो ना ये इन्होंने आपको नॉन वॉलिटाइज सॉल्यूट की बात कर रहे हैं

अब आपको यहां पर क्या करना है यू हैव टू कैलकुलेट दी मोलर मास क्या करना है आपने मोलर मास कैलकुलेट करना है ऑफ दी सब्सटेंस जहां पर आपको के बी की वैल्यू गिवन है देखो बहुत आसान है ये दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी मैं आपको बताऊंगी कैलकुलेशन आप लोग खुद करोगे अभी शुरू हो जाओ जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया है हम सबको पता है कि डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है के बी इन मोलैलिटी स्मॉल एम अब क्वेश्चन समझ में आ गया तो लग जाओ क्योंकि डेल्टा टीबी हमें गिवन है जीरो पॉइंट एट जीरो Kb आपको हाँ जी बिल्कुल कितना है राइट right? है उसके बाद क्या होता है नंबर इन के जी किसका किस यहां पर देखो सॉल्वेंट का वेट उन्होंने दिया है वन एटी फाइव ग्राम मतलब ग्राम्स में दिया है तो ग्राम्स में लिखोगे तो यहाँ थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देना दैट्स इट फटाफट से कर दो इसको क्योंकि number of moles किसके equal होते हैं और यहां पर इन्होंने आपको इसका given mass दिया 12.5 है है ना तो ये है तुम्हें कैलकुलेट करना है ये आपको गिवन है w solvent. आंसर आपके पास क्या आ रहा है फिर ऐसा था आपको फॉर होमवर्क बताओ किसी का आंसर आया क्या जल्दी से बता दो हलवा क्लियर ओके जी तो चलो यार इसी बात पे क्रिस्टल क्लियर इन्फिनेटी क्लियर तो इस बात पे लाइक हो जाना चाहिए सेशन ठीक है बहुत सारे लाइक्स आई शुड सी मतलब मेरे को अभी थ्री हंड्रेड लाइक से हम थोड़ा दूर हैं अच्छा ऑप्शन क्या है आ गया आ गया मेरे पास ऑप्शन आया है सबसे पहले मेरे को जो दिख रहा है वर्षा कोई बात नहीं आपको मैं आई सजेस्ट समथिंग फॉर यू डोंट वरी नेहा सिंगला का मेरे को दिख रहा है आई आई डोंट नो इससे पहले भी शायद किसी ने दिया होगा बट वो चैट गायब हो गया सो so, सिंगला ने सबसे बेस्ट आंसर दिया एंड शी इज एब्सोल्युटली राइट ए फॉर आकांक्षा मैम ऑप्शन गलत है ठीक <laughs> है तो जिसने ए फॉर आकांक्षा चूज किया वो गलत है बेटा नेहल सिंगला जोफे शान आशा ओके देन 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 किसने राइट दिया लिपिका रॉय नेहा समीरा देखो यार इन्होंने बड़ा जल्दी जल्दी और बिल्कुल राइट आंसर दिया है सो दैट इज ग्रेट वेरी गुड ऋषि बहुत अच्छा है और किशोर निकिता वेरी गुड बाकी नीचे भी आंसर पक्का काफी सारे लोगों ने राइट दिया होगा मिर्जा वसी बहुत अच्छे और भी काफी सारे स्टूडेंट जिनका मैं नेम नहीं ले पाई नीचे उन्होंने बिल्कुल राइट आंसर दिया है ऑप्शन राइट है जी ऑप्शन डी ये देखो इसका कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपने बस यही तो करना था सारी की सारी वैल्यूज पुट करेंगे सारी की सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो देखो आंसर निकल कर आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी फोर्टी ग्राम पर मूथ राइट और यहाँ पर आपका ये जो देखो इन्होंने यहाँ पर थाउजेंड से मल्टीप्लाई नहीं किया क्यों क्योंकि लिखा हुआ so .185. ऐसा ही आपके सामने ये भी है बट दिस इज फॉर होमवर्क जिसका सोल्यूशन में डिस्कस करूंगी इन दी स्पेशल क्लास तो दिस इज दी होमवर्क स्क्रीन शॉट ले लो और ऐसे स्क्रीन शॉट लेने की जरूरत नहीं है एल पोवर दीरियड तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ होमवर्क है ये आपका दिस इज योर होमवर्क है ना और आई थिंक मैंने ये देखा कि काफी सारे स्टूडेंट्स ने लिखा है कि YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ डल जाए तो ज्यादा अच्छा है सो आई ट्राई आई टॉक अबाउट इट मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है कि ऐसे भी पॉसिबल है तो आई टॉक अबाउट इट और ये हो जाए तो इससे बेस्ट क्या है आपको टेलीग्राम तक जाना नहीं पड़ेगा और आप यहीं से डाउनलोड कर पाएंगे हालांकि टेलीग्राम फिर भी आपको ज्वाइन करना ही चाहिए क्योंकि वहां से और बहुत सारी सेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और बाकी के इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलते रहते हैं ठीक है तो जी डी ऑप्शन राइट था हाँ, श्रीकांता ये भी हलवा है चलो ठीक है तो ये वाला कर दोगे ना स्पेशल क्लास कब है स्पेशल क्लास के लिए आ, मैं आपका जो शेड्यूल है ना आई अपडेट इट इन दी कम्युनिटी पोस्ट तो मैं सोच रही हूँ इस मंथ के लिए हम ऐसा करते हैं पहले ही मैं शेड्यूल कर देती हूँ आपकी डीपीपी के लिए क्लासेस तो कोई चक्कर ही नहीं रहेगा पूरे एक वीक का शेड्यूल कम्युनिटी पोस्ट में मिलेगा आपको स्पेशल क्लास का जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस चैप्टर के क्योंकि अब हमारा सॉल्यूशंस चैप्टर फिनिश हो गया तो अब मेरे को इसके क्वेश्चन डिस्कस करने जितने ज्यादा क्वेश्चन हम कर पाए उतने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे आप बहुत अच्छे से बिल्कुल हमें मतलब आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए सोल्यूशन ये वाला चैप्टर कि यहां से कोई भी क्वेश्चन आए मेरा बिल्कुल ठीक होगा ठीक है तो उसके लिए थोड़ा आपको कॉन्फिडेंट करने के लिए क्वेश्चन के साथ हाँ जी सुनाओ अनुभव श्रीवास्तव ठीक है क्वेश्चन के साथ आपको थोड़ा मेरे को कॉन्फिडेंट बनाना है तो उसके लिए क्वेश्चन ज्यादा से प्रैक्टिस करेंगे स्पेशल क्लास में ठीक है हां जी मैंने डाला हुआ है सारा कंटेंट टेलीग्राम पर चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर बाद में बताएंगे अब दूसरी नेक्स्ट क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है इसको क्रायोस्कोपी भी बोलते हैं जैसे इससे पहले वाले को क्या बोलते थे इबालियोस्कोपी याद आ रहा है नितेश कुमार आ, आप जो है आप जो है स्पेशल क्लास ज्वाइन करने के लिए अन अकेडमी प्रोफाइल पर जाइए मेरी जो आपको यहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उसमें आप किसी भी क्लास को जो है डायरेक्टली फ्री में ओपन कर सकते हो बस छोटा सा काम करना पड़ेगा ए के ए लाइव कोड आपको यूज करना पड़ेगा दैट्स ए के लाइव कोड यूज करोगे आपको एंट्री मिल जाएगी इन द स्पेशल क्लास ठीक है चलो यहां पर अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्लीज आप शांति अब हम एक दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर आ गए अच्छे से ठीक है इसको ध्यान से सुनना है अभी कुछ कमेंट सेक्शन में कुछ नहीं लिखना अब शांति से समझ आए नहीं आए बाद में बताना पहले सुन लो देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब तो साफ है कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट में कुछ डिप्रेशन आ रहा होगा डिप्रेशन मतलब कमी आ रही है लोअर हो रहा है ठीक है तो वेपर प्रेशर लोअर होता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आता है बट ये कैसे आता है इसको जरा समझते हैं देखो इसको आप क्रायोस्कोपी बोलते हो मैं पहले ही बता चुकी हूं सबसे पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसको समझने के लिए आपको यह आइडिया होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है हम सबको पता है आई बर्फ सबने मतलब कि हाँ, वाटर सबने जमाया तो तो बर्फ बन जाता है है ठीक तो वो वाला जहां पर आपका लिक्विड लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए जहां आपका लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए जिस टेम्परेचर पर उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं इससे इजी लैंग्वेज में इस बात को नहीं लिखा जा सकता है द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बिकम्स अ सॉलिड इज द फ्रीजिंग पॉइंट या फिर आप इसके लिए एक दूसरा डेफिनेशन क्या दे सकते हो कि ये वो वाला टेंपरेचर होता है जहां वेपर प्रेशर लिक्विड का किसके इक्वल हो जाए बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड ये लिक्विड की जगह क्या आएगा सॉलिड आएगा ठीक है जहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए तो जब आपका वेपर प्रेशर सॉलिड का और लिक्विड का दोनों का इक्वल बन जाता है ना तो वहां पर आपके पास क्या होता है वो वो जो भी सब्सटेंस है है आपका वो फ्रीज हो जाता है। इसको मैं आपको समझाऊंगी ट्रिपल फेस डायग्राम की हेल्प से ये देखो आपके सामने है अभी ट्रिपल फेस डायग्राम और ट्रिपल फेस डायग्राम में मैंने यहां पर वो लिक्विड और सॉलिड वाले कर्व लिए ठीक है तो आप ये देखिएगा ध्यान से सुनिएगा आपके पास यहां पर सबसे पहले आपने वो सॉलिड लाइन लिया हुआ है अब आप क्या लेकर आए देखो ये मेरा सॉलिड है दिस इज माई सॉलिड अब मेरे को ये सॉलिड का टेम्प ये जो भी है ठीक है सॉलिड है मेरे पास यहाँ पर ये सॉलिड लाइन है या ये सॉलिड वाला कर्व है और यहां पर अब आप क्या कर रहे हो प्योर सॉल्वेंट ला रहे हो प्योर सॉल्वेंट आपने लिया हुआ है मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है तो देखो प्योर सॉल्वेंट जो है ध्यान से देखना इसका मैं इधर से इधर मैं मेरा मतलब मूवमेंट देखे कौन से डायरेक्शन से हो रहा है आप इधर से इधर जा रहे हो आप लिक्विड से किसकी तरफ जा रहे हो सॉलिड की तरफ जा रहे हो लिक्विड से सॉलिड बाद जमाना है ना तो लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाओगे तो साथ साथ क्या हो रहा है आप इधर से इधर मूव कर रहे हो तो इधर से इधर में टेम्परेचर भी तो कम ही हो रहा है आप कम टेम्परेचर की तरफ जा रहे हो तो मतलब इस तरीके से जैसे 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 आपका टेम्परेचर कम होता चला जाएगा जैसे जैसे आप इधर से इधर जा रहे हैं आपका टेम्परेचर कम होता चला जा रहा है कम होता चला जा रहा है और एक पॉइंट पर सॉलिड और लिक्विड वाली ये देखो यहां पर आकर मिल गई दोनों मिल गई ना, ना ये वाली दोनों लाइंस आपकी सॉलिड और लिक्विड वाली तो यही वाला जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट का जब आप टेम्परेचर इस तरीके से नोट नोट डाउन करोगे तो ये आपका प्योर का फ्रीजिंग पॉइंट निकल कर आएगा द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट किसका प्योर सॉल्वेंट का सही है आपने क्या किया आपने इसको एक वेपर प्रेशर से स्टार्ट किया आप इसको क्या करते गए करते गए आप टेम्परेचर कम टेम्परेचर कम टेम्परेचर कम टेम्परेचर कम और एक पॉइंट पर आकर ये आपका दोनों सॉलिड लिक्विड लाइन मिल गई वही मतलब दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो गया सॉलिड का लिक्विड का वहां से क्या निकल कर आ गया फ्रीजिंग पॉइंट निकल कर आ गया तो ये वाला किसके लिए था प्योर सॉल्वेंट के लिए प्योर सॉल्वेंट के लिए अब अगर आपने नॉन वॉलिटाइल सॉल्यूट लिया हुआ है तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए देखो फिर से यहां पर अगर मैंने इसको इस वाले वेपर प्रेशर से इसका यहां पर ये कुछ वेपर प्रेशर रहा होगा इस लिक्विड का तो मुझे पक्का पता है कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का कम रहेगा तो इसको मैंने थोड़ा कम प्रेशर से स्टार्ट किया है कम वेपर प्रेशर से अब ये कम वेपर प्रेशर से मैं चल रही हूँ चल रही हूँ मेरे को इसको किससे मिलाना है ये जो ग्रीन वाली लाइन है बताओ मेरे को ग्रीन वाली लाइन को सॉलिड लाइन से मिलाना है ये आपकी लिक्विड लाइन है ये ग्रीन लाइन है अब हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं कम कर रहे हैं कम कर रहे हैं कर रहे कर रहे और एक पॉइंट पर आकर ये देखो मिल गया ये ब्लू लाइन के साथ जो सॉलिड लाइन है उसके साथ तो सॉलिड लाइन के साथ ये जिस पॉइंट पर मिला है अगर उसको कर दिया जाए, the, कहा? होगा, का जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है नॉन वॉलिटाइल सॉल्यूट और आप उसको रिप्रेजेंट कर दीजिए तो मुझे बताओ आपका प्योर का तो कितना आ रहा है प्योर का टी नॉट एफ यहां तक आ रहा है और ये किसका है आपका सॉल्यूशन का रहा है, तो यानी कि इतने से इतने से आपका जो ये आ, क्या बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट है वो इतने से आपका डिक्रीज हुआ है ना इतने से क्या हुआ है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ये इतने से डिक्रीज हुआ है तो इसी को आप क्या बोलते हो? बोल देते हो. क्या बोलते बोलते हो 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 डेल्टा डेल्टा बोल देते दिस इज कि यार इतना होना चाहिए था प्योर सॉल्वेंट का लेकिन उसमें नॉन वोलिटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो उसकी वजह से कितना आ रहा है टी एफ के इक्वल आ रहा है तो यहां पर ये कितना डिक्रीज हुआ इसको आप क्या बोलते हैं डेल्टा टी एफ बोलते हैं डिप्रेस तो हुआ है देखो पहले बॉलिंग पॉइंट बढ़ा था तो उसको क्या बोलते थे एलिवेशन यहां पर कम हुआ है तो कम हुआ है तो डिप्रेस हुआ है तो डिप्रेस हुआ है तो इसको आप जो डेल्टा है आप मुझे बताओ डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल टू वॉट किस को किसमें से अब्रैक्ट करोगे बताना एक बार जल्दी से कौन बता रहा है हां जी जल्दी से बता दो कौन बता रहा है यहां पर डेल्टा टीएफ के लिए क्या लिखेंगे सबसे पहले हु इज गोइंग टू गिव मी द राइट आंसर आई एल अनाउंस द नेम हमेशा की तरह कौन बता रहा है डेल्टा टीएफ के लिए आप क्या लिखोगे किसको किसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे जल्दी से हाँ कि, कि, किसी ने बताया रुको 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 आम 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 किसने बताया टी नॉट एफ माइनस टीएफ एफ नेहल सिंगला ने बताया सबसे पहले उसके बाद वी है श्रेयसी मालविश ने कुछ अलग बताया है देखो तान्या ने भी बताया संहिता ओके शाहरुख याशिका अंशु कुमारी पायल मंजुला ठीक है मालवेश मनी सौरभ नाजिया समीरा अभिषेक अमितेश देवानशी ओके जी देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स बता चुके हैं अब मैं बताती हूँ राइट आंसर क्या था अरे तुम्हें हमेशा क्या करना है बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करना है बड़ा कौन है भाई इधर की इधर साइड चलोगे तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना तो ये देखो टी नॉट एफ ज्यादा है टी नॉट एफ ज्यादा है टी एफ से टी एफ इधर है टी नॉट एफ इधर है सो टी नॉट एफ माइनस

अब आपको पता है एक्वा सोल्यूशन के लिए एक्वा सोल्यूशन मतलब वाटर के लिए वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है जैसे वाटर का तुमसे कोई बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो बॉइलिंग पॉइंट आप वाटर का क्या बताओगे प्योर वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस तो वाटर का हाँ कौन बता रहा है कौन बता रहा है कौन बता रहा है कि टी नॉट कितना होगा वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट अरे आइस कहाँ बनता है जीरो डिग्री सेल्सियस पर बनता है है ना हाँ वेरी गुड मालविश बहुत अच्छे जीरो हाँ परफेक्ट है तानिया वेरी गुड देखो यहाँ पर तो इसका मतलब टीएफ नॉट कितना ले लिया जीरो डिग्री सेल्सियस ले लिया माइनस क्या बचा, TF बचा तो टी एफ बचा तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू कितना निकल कर आएगा डेल्टा टी एफ आपका किसके इक्वल हो जाएगा माइनस टीएफ के ठीक है तो यहाँ से क्या निकल कर आ गया रिलेशन टी एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी एफ या फिर आप ये भी लिख सकते हो दैट टी एफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा टी एफ कुछ भी लिख लो

टिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म ले रहे हैं मोलैलिटी क्यों क्योंकि मोलालिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है हालांकि इसका डेरिवेशन होता है बट डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है है ना क्यों क्योंकि आपसे कोई डिराइव तो करने नहीं करवाने के लिए नहीं पूछेगा और वो कभी भी इस तरीके से वो कहीं से आपका यूज नहीं होगा तो आपको ध्यान रखना है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू और यहां पर से भी आप ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे

जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि के और केबी में क्या रिलेशन होता है तो ध्यान रखना कि हमेशा हमेशा ऑलवेज जो है आपका वो बड़ा होगा के से कुछ भी हो जाए के एफ विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन ऐसा पता है क्यों होता है क्योंकि जो आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है ना वो हमेशा बड़ा होता है किससे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से अब आपने ये देखा देखो एक बात बताओ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज ग्रेटर देन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन uh, राइट right? और ये अच्छे से आपको समझ में आएगा थर्मोडाइनेमिक्स से क्योंकि एंथेल्पी ज्यादा होती है वेपराइजेशन प्रोसेस में एंथेल्पी ज्यादा क्यों होती है क्योंकि आप लिक्विड टू वेपर में जा रहे हो तो वहां पर एंट्रोपी की वजह से ऐसा आता है हालांकि उसमें हम नहीं जा रहे सिंपल सी बात है जब मैं आपको थर्मोडाइनेमिक्स का कॉन्सेप्ट कभी बताऊंगी या किसी को यह बात एक्स्ट्रा समझनी है तो स्पेशल क्लास में मुझे ध्यान दिला देना मैं आपको बता दूंगी ध्यान अभी आपको यह रखना है कि लेटेंट लेटेंट हीट हीट ऑफ ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होती है लेटेंट हीट फ्यूजन से और अगर ऐसा होता होगा इफ दैट इज द केस तो यहां पर मुझे बताओ के किसके इक्वल था आर टी एफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल एफ और बाई किसके इक्वल था आर टी बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय थाउजेंड एल बी एल वी तो देखो अगर एल वी बड़ा है यहां पर लिखा है ना कि आपका latent heat of vaporization बड़ा है तो अगर ये बड़ा होगा तो के बी कम हो जाएगा और अगर ये कम होगा तो ये ज्यादा हो जाएगा इसी वजह से हमेशा आपका के एफ जो है ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू के बी तो अब आप अगर आपके पास एक, एक फोर मार्क क्वेश्चन आ जाए

ये तो डिपेंड करेगा आपने क्या आ, जो है सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या है ना मयूर ने क्या पूछा है कि मैम टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट का इक्विमोलर सॉल्यूशन टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट से आप क्या कहना चाहते हो मतलब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का इक्विमोलर सॉल्यूशन मतलब दोनों के मोल सेम हो सेम सॉल्वेंट में क्या होता है मतलब किसके रेफरेंस में आप ये क्वेश्चन पूछ रहे मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा इस क्वेश्चन का कोई सेंस बन नहीं रहा है क्योंकि सेम सॉल्वेंट में आप दो अलग अलग अगर आप ऐसा कह रहे हो कि आपने सॉल्वेंट तो वाटर ही लिया है ना और इसमें भी आपने क्या डाल दिया फाइव मोल्स इसमें शुगर डाल दिया इसमें फाइव मोल्स एनए डाल दिया तो दोनों का क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी सेम आएगा ये आप कह सकते हैं अगर आप ये पूछना चाहते हो क्योंकि आपने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सेम लिया है मैम डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू माइनस हां जी इट इज यस जैन इट इज वैलिड ओनली इन द केस ऑफ वाटर बिकॉज फॉर वाटर वी हैव पहली बात तो बेटा आपने डेल्टा टी नॉट एफ लिखा है टी नॉट एफ नहीं टी एफ क्योंकि टी नॉट एफ जो होता है है ना थोड़ा डेल्टा वेल्टा में गड़बड़ हो गया इसको ये एक्सप्रेशन ध्यान से देख लो यश यश कहां पर है ये देखो एक्सप्रेशन ये है दिस इज दी एक्सप्रेशन इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ इसको मतलब बॉक्स में कर दिया मैंने ये एक्सप्रेशन है आपने देखो कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है ठीक है क्योंकि डेल्टा टी नॉट एफ जो होता है वाटर के केस पे जीरो डिग्री सेल्सियस हो जाता है वेटिंग फॉर योर क्लास क्लास फिजिकल ठीक है है तो इसको अच्छे से जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं और फिर स्टार्ट करेंगे है ना आर कहां से आया आर बेटा गैस कांस्टेंट होता है आप तुम पूछो फ्रीजिंग पॉइंट कहां से आया लेटेंट ये गिवन एक्सप्रेशन है ऐसा कुछ नहीं है इसमें कौन कहां से आया लेकिन आर बता देती हूँ आर आपका गैस कांस्टेंट है आगे आप देखोगे आर के लिए जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे ना तो आर की वैसे वैल्यू सब में आपको बता देते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा सबसे पहले इसको तो इसके लिए अलग अलग यूनिट्स के लिए अलग अलग वैल्यूज होती है जो मैंने इसी पीपीटी में रखा हुआ है सो डोंट वाइड ठीक है प्रिंस मैं फिर से बता रही हूँ के एफ आपका क्यों ज्यादा है सब बच्चे ध्यान से सुन लेंगे Kf हमेशा ज्यादा होता है केबी से चाहे कोई भी सॉल्वेंट कोई भी सॉल्यूट कुछ भी दिया हो क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमेशा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से ज्यादा ही रहती है अब के एफ का फॉर्मूला इन्वर्सली रिलेटेड है किससे आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से केबी आपका रिलेटेड है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से तो हमने देखा कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इससे बड़ी रहेगी तो अगर ये वैल्यू ज्यादा रहेगी तो के भी कम आएगा के भी काम आएगा तो केबी इससे छोटा बन जाता है से अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर एक बात मुझे मैं आपको बता देती हूँ देखो नोट डालकर लिखा है अगर आपका क्या होता है ना अगर आपने एक सॉल्यूशन का फ्रीज करा रहे हो जिसके अंदर नॉन वॉलिटाइल सॉल्यूट भी प्रेजेंट है तो हमेशा ध्यान रखना मतलब आपने सॉल्ट एंड वाटर लिया तो जब आप सॉल्ट एंड वाटर को फ्रीज कराओगे तो उसमें ऐसा तो नहीं है ऐसा तो नहीं लगता आपको कि नमक का भी नमक भी फ्रीज होने लगेगा सॉल्ट भी फ्रीज नहीं जो जो आपका नॉन सॉल्यूट है उसका कुछ नहीं हो रहा है केवल वहाँ पर आपका जो सॉल्वेंट है केवल वो फ्रीज कर रहा है तो ध्यान रखेंगे ओनली एंड ओनली सॉल्यूट की सॉल्वेंट की फ्रीजिंग हो रही होती है सॉल्वेंट ये बात सब समझते हैं केवल सोल्यूट बोल रही हूँ सॉरी बट इतना अंडरस्टूड है यहाँ पर क्या रहेगा सॉल्वेंट आपका फ्रीज हो रहा होगा सॉल्यूट तो पहले ही सॉलिड है भाई उसको क्यों फ्रीज करा रहे हो वो तो पहले ही सॉलिड है ठीक है तो सॉल्वेंट आपका फ्रीज हो रहा होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पर लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन आपके किस में में रहते हैं तभी तो मैंने कहा था फ्रीजिंग पॉइंट पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सेम होता है तभी तो जहां सॉलिड और लिक्विड का कर्व कट करता है यानी दोनों का वेपर प्रेशर इस पॉइंट पर क्या आता है बिल्कुल सेम तो सेम टू लिक्विड वाले वाले का भी, वाले का भी भी सॉलिड तो वहीं आपको क्या मिलता है फ्रीजिंग पॉइंट मिलता है देखा था ना अभी अभी आपने पीछे ट्रिपल फेस डायग्राम से इसको राइट है अब ध्यान से लास्ट प्रॉपर्टी और सबसे मजेदार और आसान यही वाली प्रॉपर्टी है ये ऐसे हो जाएगी बहुत जल्द बहुत इजी है और इसके ऊपर क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं इसको ध्यान से सुनेंगे और ये ये बहुत बहुत इजी इजी है है आई एम टेलिंग यू लिटरली ऑस्मोटिक खास को बाकी मजेदार भी है क्योंकि आप ऑस्मोसिस तो बायो में भी पढ़ा होगा है ना ऐसी बात नहीं है बायो में आपने पढ़ा हुआ है इसको प्लीज ध्यान से सुनेंगे फटाफट पड़ शुरू हो जाइए ऑस्मोसिस की हम बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगी इन द स्पेशल क्लास कल पूरा संडे है ब्रेक रहेगा पढ़िएगा ये चैप्टर को और आपको क्वेश्चन वो प्रैक्टिस करना है उससे पहले एक बार ऑस्मोटिक प्रेशर में ना आपकी लास्ट मे प्रॉपर्टी है इसको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है हमें ये पता ऑस्मोसिस क्या होता है और मजा आएगा इसको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी मजा आएगा आपको ये समझने में हमें ये पता होना चाहिए कि जी हमारा ऑस्मोसिस क्या होता है तो देखो ऑस्मोसिस क्या होता है ये मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ मान लीजिए आपके पास इस तरीके से एक कंटेनर है कंटेनर में बीच में आपने क्या किया एक मेम्ब्रेन लगा दिया इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं ये जो मेम्ब्रेन तुमने लगाया ना ये यहां पर ये जो डैश 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 दिख रहा है ये क्या है एसपीएम मुझे बताओ व्हाट इज द फॉर्म ऑफ एसपीएम एसपीएम बोले तो सेमी परमिएबल मेंब्रेन क्या होता है सेमी परमिएबल मेंब्रेन अब ये क्या है भैया सेमी परमिएबल मेंब्रेन तो समझ में आता है

सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन केवल कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है अपने थ्रू पास करने के लिए जैसे आपने सबने घर पर चाय बनते हुए तो बनाई नहीं है तो बनते हुए तो देखा ही है चाय जब आप छलनी में छानते हैं है ना उसको जब फिल्टर करते हो तो जो आपका छलनी है वो सिर्फ और सिर्फ किसको जाने देता है ग्लास में सिर्फ और सिर्फ चाय को जाने देता है ऐसा तो नहीं है चाय पत्ती भी उसके साथ जा रही है तो चाय पत्ती को आप फिल्टर करने के लिए वो मेम्ब्रेन वो जो है वो मेम्ब्रेन है तो वो मेम्ब्रेन बहुत क्या कर रही है केवल सेलेक्टिव पार्टिकल्स को ही नीचे जाने दे रही है तो एक तरीके से वो केवल सॉल्वेंट को नीचे जाने दे रही है और जो सॉल्यूट आपका चाय पत्ती है उसको उसने रोक कर रखा है है ना तो ऐसे ही आपके पास ये बेसिकली किस पर डिपेंड करता है साइज पर डिपेंड करता है और आपको पता है साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा रहा होगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट तो यहां पर जो एसपीएम होता है ना हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका ये एसपीएम है सेमी मेम्ब्रेन है केवल और केवल ओनली अलाउस ओनली अलाउस दी सोलवेंट मॉलिक्यूल्स दी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट यानी यह केवल अपने थ्रू सिर्फ और सिर्फ किस को जाने देती है सोलवेंट मॉलिक्यूल्स को जाने देती है ठीक है इतनी बात सबको समझ में आई तो देखो मैंने बीच में क्या किया हुआ है एक सेमी मेम्ब्रेन लगाई हुई है क्या लगाई हुई है एक सेमी पार्मीएबल मेम्ब्रेन लगाई हुई है यहां पर ये बीच में इधर मेरे पास सिर्फ क्या है प्योर सॉल्वेंट है ये जो आपको पिंक पिंक दिख रहा है प्योर सॉल्वेंट है मान लो प्योर वाटर है आपके पास तो सॉल्वेंट की जगह प्योर वाटर लेकर चलते हैं ना इधर आपके पास क्या है यू हैव प्योर वाटर लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू वी हैव प्योर वाटर हियर और यहां पर हम ऐसे समझ लेते हैं हमारे पास सी वॉर सी वॉटर में मुझे बताओ वॉटर के अलावा और क्या होगा नमक सॉल्ट होगा है ना तो यहां पर सॉल्ट क्या है नॉन सॉल्यूट है तो आपके पास इधर ये जो बड़ा बड़ा दिख रहा है देखो यहां पर भी इन्होंने दिखाया ना सॉल्यूट का साइज ज्यादा होता है तो मेमब्रेन जो है उसका आपके जो जो ये फिल्टर तुमने मेम्ब्रेन लगाया हुआ है यहां से केवल सॉल्यूट मॉलिक्यूल इधर जा सकते हैं अब देखो ये आपका लॉ ऑफ नेचर है कि कोई भी चीज ज्यादा से कम की तरफ कोई भी चीज ज्यादा से कम की तरफ ही होती है अरे भाई ये चाहे आप हाइट से देख लो या फिर मतलब आप देखते हो ना जब आपका वाटरफॉल होता है तो हाई हाई ऑल्टीट्यूड से पानी आपका क्या होता है लो ऑल्टीट्यूड की तरफ आ रहा होता है है ना तो कोई भी चीज ज्यादा से कम की तरफ चलती है हालांकि बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो उल्टा भी आप देख लोगे लेकिन मैक्सिमम केसेस में दिस इज द लॉ ऑफ नेचर की कोई भी चीज ज्यादा से कम की तरफ जाती है है ना तो यहां पर जब आपके ये जो मुझे बताओ सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन इधर ज्यादा है अच्छा ये तो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन इधर ज्यादा है या सी वॉटर में ज्यादा है कौन बता रहा है हु इज गोइंग टू टेल मी की सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन किधर ज्यादा है इधर प्योर वॉटर वाली साइड या सी वॉटर वाली साइड हाँ वेरी गुड शारदा परफेक्ट मयूर काले यू हैव टू वेट फॉर दिस क्वेश्चन लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है ऐसा नहीं हो रहा है अगर आपको ऐसा लग रहा है ऐसा नहीं हो रहा है क्वेश्चन हाँ अच्छा, क्या पूछा था हाँ प्योर वाटर की साइड वेरी गुड ये देखो प्योर सी वाटर लिखा है नवाब ने प्योर परफेक्ट तान्या वेरी गुड सी प्योर 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 ट्रॉन आशीष अभिषेक यार एक बात बताओ राजीव नितेश नैना संहिता प्रिंस मिर्जा नेहल नीतू वेरी गुड बिल्कुल ठीक लिखा है यार एक बात बताओ ये क्वेश्चन में भी अगर तुम गड़बड़ करोगे एक बात बताओ इधर क्या है प्योर वाटर है वाटर क्या है सॉल्वेंट इधर प्योर है अरे भाई वाटर के अलावा कुछ है नहीं सब पिंक 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 दिख तो रहा है इधर वाटर के अलावा कुछ नहीं लिया तुमने सिर्फ और सिर्फ ओनली वाटर तो हंड्रेड परसेंट यहाँ पर मेरा सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन को ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं ना इधर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो यहां पर अगर आपका सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है और यहां क्या हुआ सी वाटर में सी वाटर में यार सॉल्ट भी है और वाटर भी है तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम्पेरेटिवली कम हो गया ना सॉल्यूट भी डाल दिया तुमने अब यहाँ सिर्फ सॉल्यूट नहीं है दिख रहा होगा तुमको ये सॉल्यूट यहाँ पर सॉल्वेंट कौन है ये पिंक 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 कम नहीं दिख रहा इधर कम नहीं दिख रहा इधर देखो कितना सारा डायग्राम में भी कम नजर आ रहा है इधर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है कोई भी चीज हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना चाहती है इक्लिबीरियम इस्ट करने के लिए ये क्यों होता है इक्लिबीरियम के लिए क्योंकि किसी भी चीज को इक्लिबीरियम पर आना पसंद है कोई बहुत हाई है वो भी अनस्टेबल है कोई बहुत लो है वो भी अनस्टेबल है उन्हें एक स्टेबल इक्लिबीरियम पोजिशन पर आना है तो इक्लीबिरियम मतलब क्या होता है जितनी कॉन्सेंट्रेशन इधर है वॉटर की उतनी कॉन्सेंट्रेशन इधर हो जाए वॉटर की फिर इसको कोई दिक्कत नहीं है सेटल डाउन हो जाएगा किसी का इधर फ्लो नहीं होगा आप देखो यहां पर होगा क्या यहां पर क्या होगा कि ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है इनकी कॉन्सेंट्रेशन इधर ज्यादा है तो वो सेमी परमिबल के थ्रू ये जो सेमी है उसके थ्रू इधर की साइड फ्लो करेंगे ठीक है थ्रू इधर की साइड फ्लो करेंगे तो इसी को आप क्या कहते हो ऑस्मोसिस कैसे हो तो जो आपको ये फिगर आपके सामने बना हुआ है फर्स्ट फिगर ये आपका ऑस्मोसिस रिप्रेजेंट करता है व्हाट इज ऑस्मोसिस द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अमी परमीएबलब्रेन मॉलिक्यूल हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू से तो जब आपका ऑस्मॉसिस हो गया होगा तो उसके बाद यहाँ से देखो वॉटर का लेवल कम हो चुका होगा है ना कुछ वॉटर आपका इधर से जाकर किधर वॉटर आपका इधर जा चुका है अभी है ना देख रहा है ना पहले पिंक पिंक मॉलिक्यूल यहाँ तो बड़े कम थे लेकिन आप काफी सारे हो चुके हैं और लेकिन यहां पर सॉल्यूट भी प्रेजेंट है यहां केवल वाटर नहीं है यहां सॉल्यूट भी है तो ओवरऑल इसका लेवल भर जाएगा इसका जब इधर वाटर आ गए होगा इधर इतना सारा वाटर इधर आया है मेंटेन करने के लिए लेकिन यहां पर चक्कर क्या है यहां पर ये यह देखो बड़ा बड़ा सॉल्यूट पार्टिकल ऑलरेडी प्रेजेंट है है जो पर्पल पर्पल दिख रहा है। तो ओवरऑल आपकी हाइट यहाँ पर इस वाले कंटेनर में जो मतलब दूसरी साइड है सेमी के उस साइड आपकी हाइट इंक्रीज हो चुकी है ठीक है तो इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हो ये जो आपके सामने बना हुआ है

देखो यहां पर अच्छा मैं इस कंटेनर की जगह ना उसी कंटेनर से समझाती हूँ तो क्योंकि आपने इसके थ्रू समझा है देखो अगर मैं ऐसा कर देती हूँ कि मैं यहां से इस साइड से ये वाला जो साइड है इस साइड से मैं ये जो सॉल्यूशन साइड है ना मेरा सॉल्यूशन क्यों बोल रही हूँ क्योंकि इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है इधर मेरे पास सॉल्यूट भी है और इधर मेरे पास सॉल्वेंट भी है तो दिस इज सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट क्या बनाता है सॉल्यूशन बनाता है है ना तो अगर मैं इस साइड यहां से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई करूं इसको मैं नीचे की तरफ धक्का दूं मतलब प्रेशर लगाऊं अगर इतना प्रेशर अगर मैं अप्लाई कर दे कर देती हूँ कि मेरा ये जो नेचुरली अक्रिंग प्रोसेस है ये अपने आप हो रहा है ऑस्मोसिस मैंने कुछ नहीं किया बस सेमी परमिबल मेम्ब्रेन लगाया अपना वाटर मॉलिक्यूल इधर से इधर जा रहे हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन टू तो लो कॉन्सेंट्रेशन अगर ये जो होता है इसको मैं सोल्यूशन की साइड पर इतना प्रेशर अप्लाई करूं कि मेरा ये ऑस्मोसिस प्रो, प्रोसेस जो है रुक जाए बंद हो जाए ऐसा ना हो मतलब कि मेरे जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो प्योर की साइड ही रहे अरे भाई देखो ना मेरे को तो प्योर ही वाटर चाहिए मुझे क्या करना सी वाटर का तो मेरे को तो नहीं चाहिए मेरा प्योर वाटर थोड़ा सा भी कम हो इधर से इधर जाए नहीं मेरे को प्योर वाटर को प्योर की तरफ रोक कर रखना तो प्योर को मैं नहीं चाहती हूँ कि वो सी वाटर की तरफ जाए तो लेकिन ऑस्मोसिस तो ऐसा होने नहीं देगा ऑस्मोसिस नेचुरली होता है तो ऑस्मोसिस की वजह से मेरा सॉल्वेंट इधर से इधर तो जाएगा तो मैं इधर सी वाटर जिधर है ना उधर साइड में ये पिस्टन या किसी के भी थ्रू आप थोड़ा प्रेशर लगाइए इतना प्रेशर कि ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है ये रुक जाए तो वो उतना प्रेशर जिसकी वजह से आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाता है वही आपका क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर होता है समझ आया अब देखो आपके दिमाग थोड़ा ऐसे खुल गया होगा कि ओके दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर ये वाला प्रेशर है जो आप सॉल्यूशन साइड पर अप्लाई करते हो इतना प्रेशर कि मेरा ये नेचुरली अक्रिंग प्रोसेस जो था वो रुक जाए और ऑस्मोसिस होना बंद हो जाए ऑस्मोसिस ना हो प्योर वाटर जितना है उतना रहे अपनी जगह रहे ठीक है यहां तक सब लोगों को क्लियर है जल्दी से थम्स अप कर देंगे अगर इतना क्लियर है फिर उसके बाद एक बहुत देखो यहां पर यहां पर मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है आपका ऑस्मॉटिक प्रेशर तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर जो आपको लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा सॉल्यूशन वाली साइड पर सॉल्यूशन मतलब जिधर नॉन वॉलोटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है उधर सो दैट जो आपका फ्लो है ना सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का सेमी परमिबल मेंब्रेन के थ्रू वो रुक जाए उसी वाले प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हो कौन सा प्रेशर ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए गुड अब देखो यहां से अरे इतने से हमें नहीं संतुष्टि मिल रही हमारा काम इंटरेस्टिंग बन जाता है अच्छा सब आर सिस्टम आपके सबके घर में आज तो आजकल तो ऐसा कोई होगा ही नहीं मतलब मैक्सिमम अगर आप लोग आप बहुत अच्छी जगह रहता है इतने लकी हैं आप कि आपको जो आर ओ सिम लगाने की जरूरत नहीं है फिर तो बहुत अच्छा ठीक है मजे ही मजे लेकिन मैक्सिमम लोगों के घर आर लगा हुआ होगा है ना आर का क्या प्रोसेस होता है वहां पर भी तो आपका वॉटर क्या होता है प्योरिफाई ही होता है ना तो उसके पीछे एक्चुअली यही लॉजिक है आर का मतलब होता है रिवर्स ऑस्टमोसेस क्या होता है आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस चलो रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ेंगे उससे पहले फटाफट पड़ सेशन को लाइक करेंगे और 300 लाइक्स तक पहुंच जाने चाहिए हम जल्दी से क्विकली हाउ फार वी आर फ्रॉम 300 लाइक क्वाइट क्वाइट क्लोज जल्दी 300 लाइक्स होने चाहिए फटाफट फटाफट लाइक करेंगे सेशन को उसके बाद हम समझेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है आइए ये ये, ये सुनने में बड़ा मजा आएगा अब नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारे घर आरओ का खराब होगा ना और आरओ ठीक करने के लिए वो सर्विस वाले भैया आएंगे फिर तुम उनसे दो तीन क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ ही लोगे ठीक है तो रिवर्स ऑस्मोसिस देखो देखो क्या क्या होता है आप देखो मैंने यहां पर क्या किया था ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था मैंने ऑस्मोसिस रोक दिया था अब देखो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है वो मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू बताती हूँ यहां पर आप देखो मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी इधर मेरे पास सॉल्ट वाटर है और इधर मेरे पास फ्रेश वाटर है तो जिधर सॉल्ट वाटर है ना उधर तुम थोड़े थोड़े पिंक वाले भी बना लो और ये जो मैं छोटे छोटे पिंक बना रही हूं ना दिस मीनस ये आपका नमक है सॉल्ट वाटर है ना क्योंकि इधर तो इधर ये ब्लू तो वाटर है प्योर वाटर है और ये जो पिंक पिंक या रेड रेड जो अभी मैं बना रही हूँ दैट इज वॉट दैट इज देखो यहां पर मैं लिख देती हूँ ये जो है आपका दिस इज योर सॉल्ट सॉल्ट बोले तो एक सेकेंड सॉल्ट बोले तो आपका नॉन वॉलिटाइल सॉल्यूट यहां पर ये जो है आपका दिस इज टाइल सॉल्यूट और अगर सी वॉटर लिया है तो क्या हो जाएगा सॉल्ट हो जाएगा और यहाँ पर यह जो आपका ब्लू ब्लू है ब्लू है दिस इज दिस इज वॉट दिस इज योर वॉटर ये क्या है वॉटर मॉलिक्यूल्स है ठीक है यहां तक ये बात सबको क्लियर है मुझे बताएंगे फटाफट जल्दी से बता दीजिए आर यू ऑल क्लियर विद दिस मच एन वी एस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इधर क्या है सॉल्ट है और इधर क्या है ये वॉटर मॉलिक्यूस है आपके पास परफेक्ट है देखो रिवर्स ऑसमोसिस में क्या होता है अभी तो तुमने इतना प्रेशर लगाया था कि आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाए अब कैसा लगेगा कि आप इतना प्रेशर लगा दें कि आपका ऑस्मोसिस की डायरेक्शन रिवर्स हो जाए यानी कि आपने देखा था ना फ्रेश वाटर आपका अभी ऑस्मोसिस में देखो क्या पढ़कर आए हो आप कि ऑस्मोसिस में फ्रेश वाटर जो है यानी कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो किधर से किधर जा रहे थे वो आपका प्योर वाटर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन प्योर वाटर से सी वाटर की तरफ अगर मैं इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दू डायरेक्शन रिवर्स करना मतलब अब मैं आपके जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है उनको सी वॉटर से फ्रेश वॉटर की तरफ लिया क्योंकि मेरे को तो फ्रेश चाहिए मतलब आपका सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो करें इधर से इधर ठीक है तो मजा आ जाएगा प्योर वॉटर और ज्यादा हो जाएगा तो कुल मिलाकर मैं ऐसा कर क्यों नहीं हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्योर वाटर चाहिए तो अगर मैं सॉल्यूशन की साइड पर इतना प्रेशर लगाती हूँ कि मेरा ऑस्मोसिस प्रेशर ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाए तो उसको तो आप क्या कहते हो ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हो और मैं उससे भी ज्यादा प्रेशर लगा दू अगर इधर साइड इतना कि मेरे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो है मतलब मेरे ये तो सेमी मेम्ब्रेन हंड्रेड परसेंट इस मेम्ब्रेन के बारे में मुझे इतना पता है कि ये सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही बाहर जाने देगी इधर दूसरी साइड आने देगी तो अगर इतना प्रेशर लग जाए कि सिर्फ वॉटर ही वॉटर मतलब सिर्फ सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल आपके मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पा रहे राइट मतलब वाटर

इसी को क्या कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस सबको समझ में आया रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है जल्दी से बता देंगे मुझे अंडरस्टुड व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस एंड व्हाट इज ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है अब तो अगर आपके सामने किसी को मतलब आपका कोई फ्रेंड आ जाए उसको भी समझा दोगे ना इतना कॉन्फिडेंस फील हो रहा है एकदम अच्छे से समझ में आया जल्दी से बताएंगे क्विकली क्विकली बता दो क्लियर है क्लियर है तो थम्स अप इधर भी और सेशन uh, को लाइक like भी करेंगे फटाफट पत, मतलब थ्री हंड्रेड थ्री फिफ्टी लाइक्स बिफोर दी सेशन एंड्स ठीक है क्लियर है परफेक्ट आई थिंक आज आपका फिजिक्स का क्लास नहीं है इसके बाद आपका केमिस्ट्री का क्लास होगा सब्सट्यूशन रियक्शन हेलो एल के फिजिक्स का क्लास आपका फिर बाद में हो जाएगा ठीक है मंडे से तो यहां तक क्लियर है ली मनोहर जोशी जी कहाँ गड़बड़ है किधर क्लियर नहीं बताओ. है बताओ एक्टिव ट्रांसपोर्ट बायोलॉजी में पढ़ा है ना अरे अरे शुभम शुभम रिवर्स ऑस्मोसिस बताओ तुम्हें समझ में आया बस समझ आ गया ना हाँ इससे ज्यादा आज नहीं पढ़ाऊंगी नहीं तो तुम लोग को गड़बड़ हो जाएगी है ना इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा ना आज या इससे थोड़ा सा पढ़ा दो चलेगा बताओ थैंक यू फजिल दीपक सोनी बताओ जी समझ आया आपको <coughs> हाँ, परफोरेट है परफोरेटेड है मतलब यहां पर ऐसे छोटे छुट छोटे होल्स प्रेजेंट है आओ बस एक छोटी सी बात पढ़ाती हूँ अच्छा आइसोटोनिक हाँ रुको रुको रुक। एक छोटी सी बात बताती हूँ यहां पर आपको फॉर्मुला पता होना चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वहां आपके पास अरे 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 ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए आपके पास क्या आता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी क्या आता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी आप कुछ कहते हैं मेरे को ये या याद करने में प्रॉब्लम है मेरे से नहीं होगा है ना होगा सबसे कैसे होगा दूसरे तरीके से कर लेते हैं पाए आपका मैं बता देती हूँ पहली बात है ऑस्मोटिक प्रेशर होता है देखो ये नहीं आता आइडियल गैस इक्वेशन तो सबको आती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको आइडियल गैस इक्वेशन नहीं पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है अब पी पी तो प्रेशर है प्रेशर यहां पर पाए है ऑस्मोटिक प्रेशर को पाए बोलते हैं वी को तुम दूसरी साइड ले जाओ यानी कि एन आर टी और इधर एन के नीचे वी लगा दो तो आपको पता है एन बाय वी क्या होता है दिस इज होता है ना तो बस लिख दो यहां पर इज इक्वल टू सी आर टी ये देखो बन गया आपका फॉर्मूला तो इसको इसको आप यूज कर सकते हो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी वाली इक्वेशन को इसको ध्यान रखने के लिए बाकी आपका ये एकदम आसान है इज इन इट दिस इज क्वाइट इजी है ना इजी है ना सबको समझ में आया एनी प्रॉब्लम एनी वन नहीं है ना परफेक्ट <coughs> हां ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये जो R होता है ना गैस कॉन्स्टेंट है तो बेटा देखो आपको R की कौन सी वाली वैल्यू यूज करनी है डिपेंड करता है कि आपको प्रेशर कौन सी यूनिट में दिया गया है तो अगर आपको प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया हुआ है वो पाय पाय की बात हो रही है यहां पर पाय जो है अगर आपको किस में दिया हुआ है एटमोसफेयर में दिया हुआ है तो आपको ये लीटर एटमोस्फेयर वाला यूनिट यूज करना पड़ेगा जीरो पॉइंट जीरो एट टू यूज करते हो आर का वैल्यू अगर आपको आ, यहां पर डायरेक्ट जूल पर मोल जूल पर मोल पर कैल्विन होता है ठीक है हाँ ठीक है वही लिखा हुआ है जूल पर मोल पर कैल्विन तो आप ये वाला यूनिट यूज करोगे एट पॉइंट थ्री वन फोर देन कैलरी पर मोल पर कैल्विन की अगर आपको जरूरत है तो इसको यूज करोगे और यहां पर ये ठीक है पास्कल्स में है तो ये वाला तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा यूनिट दिया हुआ है उससे रिलेटेड आप अपना आर गैस यूज कर सकते हैं ठीक है आइए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद दिस इस इज टाइम टेबल कितने दिन चलेगा विनी ये खत्म हो जाएगा नेक्स्ट म, नेक्स्ट मंडे नहीं ये कमिंग मंडे इसी मंडे परसों परसों फिनिश हो जाएगा और बताओ अगर आप लोग कहेंगे तो हम इसकी एक क्लास कल भी ले सकते हैं और कल खत्म कर दें अगर संडे को आपका ये चैप्टर और फिर मंडे को मैं चाहती हूँ कि इसका एनसीआर टी हाईलाइट हो जाए एक बारी या फिर मंडे फिनिश हो जाएगा तो उससे नेक्स्ट uh, मतलब ट्यूसडे को एनसीआर टी हाईलाइट ले लेंगे एनसीआर डिस्कस कर सकते हैं तो ऑप्शन तो बहुत है हमारे पास कुछ भी कर सकते हैं है ना देखिए सीप मैम इज़ रिकवरिंग आई थिंक आई मीन आई विल ओनली से आप लोग जो है uh, उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए प्रे फॉर हार दैट वेरी सून और uh, मतलब वो जल्दी जल्दी हेल्दी हो जाए है ना <coughs> चलो ठीक है आप कॉमेंट सेक्शन पर मैंशन कर, कर मुझे बताना बाकी ये है जी हमारा एजुकेटर्स टाइम टेबल और अब तो मैं प्लस पर भी हूँ प्लस पर हूँ हाँ जी ऐसा ही है प्लस पर आई एम देयर ऑन प्लस तो अभी आप ये आ, अगर कोड यूज करेंगे ए के लाइव तो डायरेक्टली आपको मेरा पर्सनल मेंटरशिप मिल सकता है मतलब इसको हम इसी तरीके से सारा सिलेबस एक डिफाइंड यू नो कन्फाइंड पीरियड ऑफ टाइम में हम फिनिश कर लेंगे सो so, मेरा टाइम है फोर टू फाइव पी ठीक है और बाकी प्लस कोर्स के बारे में आपको और भी पता चल जाएगा बाकी एजुकेटर्स का भी आप देख सकते हैं मेरे बाद महेंद्र सर का क्लास होता है फाइव टू तो सिक्स थर्टी पी एम रे ऑप्टिक्स वहां पर पढ़ रहे हैं देन आज जो है आपका अब इसके बाद क्लास होगा अनूप सर का सेवन थर्टी टू एट थर्टी पी एम जहाँ पर आप सब्सटीट्यूशन रियक्शन पढ़ सकते हैं उसके बाद वी हैव द समर्पण बैच क्लास ट्वेल्थ के लिए ट्वेंटी हमारे पास नॉचर बैच है ट्वेंटी थ्री के लिए एन अकेडमी स्कॉलरशिप टेस्ट है बेसिकली कॉम्बैट जो है जहां पर ये आपका हर संडे होता है सुबह सुबह ग्यारह बजे तो आप इसके लिए एनरोल करा सकते हैं यू कैन रजिस्टर फॉर फ्री और आप क्या बोलते हैं मतलब प्राइस में नहीं और ये सब के बारे में आपको बताइए बट खुद का एक एनालिसिस हो जाएगा इसको फ्री अनलॉक करने के लिए यू कैन यूज माय कोड विच इज ए के लाइव तो ए के ए लाइव कोड आप लोग यूज कर सकते हैं ठीक है और यहाँ पर हर सब, हर सब्जेक्ट के लिए होने ही वाला है आपका देन वी हैव दिस संजीवनी बैच जो कि बहुत अमेजिंग है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है फिफ्टींथ अप्रैल से अच्छा मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर यह आपका ट्वेल्व मंथ एस्पायरेंट अगर आप हैं यानी कि अगर आप ट्वेंटी टू एस्पायरेंट हैं तो आपको जाना चाहिए ट्वेल्व मंथ के साथ ट्वेंटी है मतलब कि अगर आप ट्वेंटी थ्री एक्ट है ट्वेंटी फोर मंथ सब्सक्रिप्शन ये दोनों फी आपके सामने दिखा लिखा ही हुआ है बस एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ऑलरेडी देखिए बहुत ही रीजनेबल प्राइस है ट्वेल्व मंथ यानी वन ईयर के लिए जिसमें बंपर ऑफर भी है कि अगर आप ट्वेल्व मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ऑटोमेटिक एक्सटेंशन आपको मिल ही जाएगा थ्री मंथ्स uh, का ठीक है सिमिलरली यहाँ पर ट्वेंटी फोर मंथस के लिए दिस इज द फी वेरी वेरी अफोर्डेबल कंसिडरिंग ऑफलाइन क्लास का फी जो होता है और पूरा साल का है ठीक है तो दिस इज क्वाइट अफोर्डेबल और प्लस आपके पास इजी एम आई ऑप्शन है और ये जितना यहाँ पर फिगर दिख रहा है इसको पहले आप कम कम कर लीजिए क्योंकि 10 कम करेंगे तो अगर आप ये कोड यूज करेंगे इज तो देखो ये कोड यूज करोगे तो जल्दी जल्दी फिर मैं आपको बोर्ड पर भी दिख जाऊंगी तो अगर आप मेरे को बोर्ड पर देखना चाहते हो तो आपको यूज करना पड़ेगा कोड ए के ए लाइव ठीक है अगर आप नहीं आपके कोई फ्रेंड है जो प्लस सब्सक्रिप्शन में इंटरेस्टेड है तो आप उनको भी बता सकते हैं सो यू कैन गो फॉर दिस और आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटरशिप टच मिलता है मतलब अगर आपको कोई चाहिए देखिए प्लस और आइकॉनिक प्लस के बारे में मैं आपको बहुत बार पहले भी बता चुकी हूँ एक तो सीक्वेंस अलाइंड कंटेंट मिलेगा प्लस और स्पेशल क्लासेस में आपने देखा भी है बहुत मजा आता है आपको स्पेशल क्लासेस में ज्यादा मजा आता है यूट्यूब से भी ज्यादा वहां पर होता है क्योंकि इंटरेक्शन हो पाता है पर्सनल इंटरेक्शन और वहां पर ये होता है आप अपने डाउट पिक्चर की फॉर्म में भेज सकते हो तो यहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा लिख पाते हो इधर चैट सेक्शन में और उसमें भी इतने सारे बच्चे होते हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाता है असली क्वेश्चन कौन सा है तो वहां पर प्लस पर आपके पास दो ऑप्शन है आपको नॉर्मल चैट टाइप का ऐसा कोई मैसेज भेजना है तो अलग और अगर आप क्वेश्चन भेजते हैं तो एक अलग सेक्शन वहां पर बना हुआ है तो आप अपना सेपरेट क्वेश्चन वहां पर पूछ सकते हैं आप अपनी पिक्चर क्लिक कर वहां पर सेंड कर सकते हैं जो भी आपको डाउट है उसकी तो दैट इज द बेनिफिट प्लस आपको एक पर्सनल टीचर के साथ कनेक्ट होता है वहां पर जो भी टीचर है दैट पर्टिकुलर पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल आपका सिलेबस कंप्लीट हो वहां पर आपका एक डिजाइन सेट टाइम टेबल होता है कि इतने दिन में ये हो जाएगा ये ये इस तरह से आपका सिलेबस कवर होगा यूट्यूब यहाँ पर भी हम करा रहे हैं नो डाउट बेस्ट ऑफ कंटेंट ही आपको मिल रहा है लेकिन यूट्यूब थोड़ा डाइसी होता है ऑलरेडी आप देखो यूट्यूब पर सारा कंटेंट जो है अवेलेबल है इज इट सब कुछ तो अवेलेबल है लेकिन सीक्वेंस कंटिन्यूटी रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी ये परफेक्ट मिलता है प्लस में ठीक है सो यू कैन गो फॉर दिस एंड उसके बाद व्हाट वी हैव थैंक यू थैंक यू मेरे साथ आज कनेक्ट होने के लिए है ना और थैंक uh, यू फ्रॉम द थैंक यू फ्रॉम माय साइड एंड इसी तरह से मेरे साथ आप लोग जो है ना कनेक्टेड रहिए बस एक बात कहूंगी कि आप सेशन को लाइक किया कीजिए अस कीप शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स तो ऐसे जो है मेरा भी मोरल बूस्ट होता है और बहुत अच्छा लगता है साइड में छोटा सा बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलना अगर आप पहली बार ये चैनल पर आए नीट अन है तो यहाँ से आपके पास सारी पीडीएफ जितने भी एजुकेटर्स है सबका पीडीएफ सबका कंटेंट वहां पर चला जाता है जो भी आपकी क्लास होती है ठीक है आज ये वाली क्लास का भी वहीं पर आपको मिलेगा तो उसमें आप जाकर उसके पार्टिसिपेंट बन जाइए उसको ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को परफेक्ट रहेगा लाइक किए बिना मत जाइएगा शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और शेयर करिए बताइए अपने अपने फ्रेंड्स को कि यार देखो मैं तो यहाँ से पढ़ रहा हूँ आप भी पढ़ सकते हो ठीक है तो चलिए मिलते हैं विद नेक्स्ट क्लास थैंक यू वेरी मच अभी एक दिन का ब्रेक मिलेगा आपको यानी कि संडे का तो अपना अपना ध्यान तो रखना ही है साथ ही साथ ये जितना हो गया है सोल्यूशंस और मैंने एक क्लास में ऐसा नहीं है कि यार एक क्लास बहुत हैवी हो गई नहीं मैंने जितना पढ़ा है वो आई थिंक आसानी से और अब ईजी ही लग रहा होगा उसको रिवाइज कर लेना रिवाइज के बिना सब हवा हो जाता है ठीक है तो रिवाइज करना है नेक्स्ट मैम आई केम लेट हाँ जी, बिल्कुल ओवेस बिल्कुल 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 आ सकते हैं बस आप ये सब्सक्रिप्शन कोड यूज कर लेंगे ए के ए लाइव ठीक है थैंक यू अभी देखो पहले इधर फिजिकल हो रहा है फिर ऑर्गेनिक और फिर आपका जब इनऑर्गेनिक के टॉपिक स्टार्ट होंगे तो कुछ कुछ टॉपिक्स आपको सर पढ़ा देंगे कुछ टॉपिक्स आपको मैं पढ़ा दूंगी ठीक है ये क्या लिखा भाई सॉल्ट एस्टू का हाई कॉन्सेंट्रेशन है <laughs> इस बात का क्या मतलब होता है थैंक यू सूरज थैंक यू ठीक है ठीक है ओके जी जी सौम्या चलो आप बाय 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 करते हैं है ना नेक्स्ट लेक्चर कब होगा वो आपको शेड्यूल में पता ही चल जाएगा वैसे मोस्ट प्रोबेबली अब आपका मंडे ही होगा मंडे तो होगा हो ही होगा एक परसेंट कल भी हो सकता है तो आप चेक कर लेना ठीक है और बाकी नेक्स्ट क्लास के साथ सोल्यूशन टॉपिक फिनिश हो जाएगा तो लास्ट सेशन में हम सब मिलेंगे सोल्यूशन टॉपिक के उसके बाद एक बार एनसीआर देख लेंगे इसका कैसे है ठीक है सो थैंक यू वेरी मच मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए स्टे कनेक्टेड टेक केयर टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड बी सेफ बी एट होम बाय